हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे और आपके ई2ई क्लासेस में। तो फाइनली हम लोगों ने अरिहंत अनसॉल्व सैम्पल पेपर 11 का ए बी सी सेक्शन को कवर अप कर लिया था। आज हम लोग इस आखिरी वीडियो में डी और ई के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि हाँ क्या क्वेश्चन में क्या रहेगा, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा। मतलब सीधा सा बात है, यहाँ पे क्या जो है वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 32 नंबर से स्टार्ट हो रहा है सेक्शन डी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। यहाँ पे एक राउंड कवर है जो कि 6 डिजाइन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस कवर में, और ये इक्वल डिजाइन है सारे, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, मतलब ये जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है ना। ये क्वेश्चन में आपको गिवन दे दिया गया है। क्या बोला, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। अब ये डिजाइन बनाने में कितना खर्चा हो रहा है, कितना कॉस्ट हो रहा है, वो आपको निकालना है। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम 1.50 है और रूट थ्री के वैल्यू भी हम लोगों को दे दिए गए हैं, तो सीधा सा बात है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये सभी के एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब एरिया यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये जितने भी 6 डिजाइन है उनका हमको एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक डिजाइन का एरिया निकाल लेते हैं, फिर 6 से इंटू करेंगे तो 6 का एरिया निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है 6 इक्वल डिजाइन है। अब देखा जाए तो ये सेक्टर होता है ना, ये वाला पार्ट क्या है, सॉरी सेक्टर बोल रहे सेगमेंट है। अगर ये पूरा पार्ट का बात करें तो ये सेक्टर है, लेकिन जो ये जो डिजाइन है ना वो क्या है, सेगमेंट है। अब यहाँ पे हम लोग सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। तो आपको पता होगा जो सेगमेंट का एरिया क्या होता है। अब यहाँ पे लेकिन उसके लिए थीटा का जरूरत पड़ेगा, थीटा तो है नहीं। तो एक बात बताओ, टोटल यहाँ पे कितने हैं, देखो अगर हम इसको इस तरह से मिला देते हैं तो टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गया। तो इसका मतलब एक पॉइंट पे जो है 360 एंगल बनता है। तो अगर एक पार्ट पे कितना एंगल होगा, तो यहाँ पे देखो कि टोटल जो एंगल है, ठीक है, टोटल एंगल एट सेंटर, सेंटर पे जो टोटल एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 360 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए ना, हम लोग को एक पार्ट का चाहिए। जैसे हम इसको मान लेते हैं ओ, इसको ए और इसको बी। तो इसका मतलब है अगर हम लोग एंगल ए ओ बी निकाले तो टोटल 6 पार्ट है ना, तो 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना 60 डिग्री आ गया। इसका मतलब है कि अब ये एंगल कितना निकल गया, 60। तो ऐसे जितने भी टोटल पार्ट्स हैं उनका ये 60 एंगल हो गया। अब सीधा सा क्या करना है, हम लोग एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, अब हम लोग को एरिया ऑफ पहला डिज़ाइन का हम लोग को एरिया निकाल लेना है, जो कि क्या है, एक सेगमेंट है। तो सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है माइनस सेगमेंट का फॉर्मूला और ये माइनस सेगमेंट है। तो बस सारे वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। पाई का वैल्यू पुट करना क्या सही रहेगा, हाँ सही रहेगा। तो पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर दिए, आर 28 दिया है तो आर स्क्वायर है तो 2/28 कर दिए, थीटा 60 निकाले डिवाइडेड बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 आर कितना है 28 है, तो 28 × 28 और साइन थीटा यहाँ पे देखिए थीटा कितना है, 60 डिग्री है ना, तो साइन 60 डिग्री हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर हम इसको सॉल्व करते को 0 से 0 कैंसल आउट, 6 के टेबल में ये 6 बार में, 7 के टेबल में ये 4 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना आ गया देखो, तो 22 × 2 = 44 × 28 डिवाइडेड बाई 3 ये यहाँ पे आया। अब माइनस अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखो 2 के टेबल में चला गया 14 बार में, तो कितना आ गया 14 × 28 × अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, तो 2 से ये भी 14 चला गया 7 बार में। बोलो यहाँ तक समझ में आया। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 44 × 28 डिवाइडेड बाई 3 माइनस यहाँ क्या बचा 7 × 28 और इंटू √3 का वैल्यू देखो, तो यहाँ पे दिया है ना √3 का वैल्यू 1.732,
1.732। अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और एक डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, यहां देखो कैसे करेंगे, ये दोनों को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप 28 को मल्टीप्लाई करते हो 44 के साथ, तो 84 जा कितना 32 का 32, 8 19 11 112 1232 कितना आ गया 1232, और डिवाइडेड बाय 3 आ गया इसको कैलकुलेट करने के बाद। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो गया 7 8 56 का 6 5 40 96 और इनटू कितना 1.732 हो गया। अगर आप उसको भी, अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो तो ये 4 बार में चला गया, फिर 3 1 बार में चला गया, ये 0.67। यहाँ पे हम इसको रोक देते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो फटाक से जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ कि क्या होगा, क्या होगा बताइए। कैलकुलेट किया तो 339.47। चलो ये हो गया इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 में से 7 गया 0, तो 0.6 में से 4 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 0 9 फिर यहाँ पे बचा 10, 10 में से 3 गया 7। देखिए 71.2 आ गया, 71.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सेंटीमीटर में था ना बच्चों, सेंटीमीटर में था, तो वो सेक्टर का कितना निकल गया 71.2 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। ठीक है, देख लो कैलकुलेशन सही है कि नहीं। अब यहाँ पे ये एक का निकला है तो देयरफॉर हमको 6 निकालना है ना, तो एरिया ऑफ 6 इक्वल डिजाइन, तो एरिया ऑफ 6 इक्वल डिजाइन कितना हो गया, तो 71.2 को 6 से इंटू कर दो तो कितना हो गया 6 2 जा 12 6 1 जा 6 7 और 6 7 जा 42। देखिए 427.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये सारा छेओं का एरिया हम लोग को निकल चुका है। ठीक है, अब बोला है कि एक सेंटीमीटर का अगर दाम 1.50 है तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है 1.50 है। ठीक है, ये बोला है तो कॉस्ट ऑफ यहाँ पे कितना निकला है 427.2 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम कितना होगा, तो सीधा सा बात है 1.50 को हम लोग इंटू कर देंगे 427.2 से, तो जो आंसर आएगा वही इसका एक्चुअल आंसर होगा। बच्चों बोलो समझ में आया। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो और कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, कितना आया बच्चों बोलो। हाँ किया कैलकुलेट, तो ये 640.8 समथिंग कुछ इसी के अराउंड आने वाला है। ठीक है, आप देख लो कैलकुलेट कर लो, मैंने बस बताया कि इसको बनाना कैसे है, आपको आसानी से आप कैसे बनाओगे कि आपको पूरा पूरी 5 मार्क्स मिल जाए, 4 मार्क्स जितने मार्क्स ये क्वेश्चन है। चलिए समझ में आया ये क्वेश्चन, क्लियर आप लोगों को। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 33 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, सपोज पहले बोल दिया सपोज कर लो, चलो कोई बात नहीं। सपोज द एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 31, क्वेश्चन पढ़ते जाना है, गिवन डेटा लिखते जाना है। बोला है कि जो एथ टर्म है वो 31 है, और क्या बोला है, एंड जो 15th टर्म है वो 16 ज्यादा है 11th टर्म से, वो 11th टर्म से 16 ज्यादा है। तो बोला है पहला नंबर में कि एपी की सीरीज निकालने है, फाइंड द एपी सीरीज। ठीक है, जो एपी में निकलता है ना, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस तरह से आपको सीरीज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को वो निकालने के लिए हम लोग को ए पता होना चाहिए, हम लोग को डी पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन के अनुसार ना हम लोग को ए पता है ना डी पता है, तो हम लोग सबसे पहले वो निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना आप इसको सॉल्व करो सबसे पहले, या इसको सॉल्व करो, दिमाग में कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखना जो अकेला है, जो सिर्फ एक है उसको सॉल्व कर लो, ये दो गो के साथ बैठा हुआ है, ये एक के साथ है, तो आप सब सबसे पहले ये अकेला वाला को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे ए 8 को लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस 7 डी, फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी में तोड़ दिए, इज इक्वल टू 31। अब यहाँ से ए निकाल लो, ये 7 डी उधर चला गया, तो 31 माइनस 7 डी हो गया। बोलो समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब ए यहाँ पे निकल गया ना, अब इसको इक्वेशन 1 डाल लो और इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे अगर निकलता है तो, देख लेते चलिए। एंड और यहाँ पे क्या बोला है कि जो ए 15 इज इक्वल टू ए 11 प्लस 16 है, तो ए 15 को लिख सकते हैं ए प्लस 14 डी, वैसे ए 11 को लिख सकते हैं ए प्लस 10 डी, जो और प्लस 16 का 16 लिख दिए। अब देखो ए का जगह पे ये वैल्यू है ना, पुट कर दो ए का जगह पे, क्या पुट कर दो। अच्छा यहाँ पे अगर देखोगे ना तो ए ए कट गया, पुट करने का जरूरत नहीं है, ये इधर आके माइनस हो गया, कट गया। हाँ अब ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो 14 में से 10 माइनस हो गया तो 4 डी हो गया,
और इज इक्वल टू वहां पे 16, 4 के टेबल में 16 चला गया 4 बार में, तो डी निकल गया ना। अब डी उठा के अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो ए निकल जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे पुट एन इक्वेशन 1। अब 1 में हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है, 1 में क्या करेंगे पुट कर देंगे। चलिए इसका तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया, काम नहीं, हटाते हैं सबको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ए क्या है, ए इज इक्वल टू 31 माइनस 7 डी है ना, तो ए कितना है 31 माइनस 7 7 और डी 4 निकाला हम लोगों ने, चलिए पुट कर दिए 31 माइनस 7 4 जा 28 माइनस करोगे 3 निकल गया, ए निकल गया डी निकल गया। और हम लोग को ए पी निकालने के लिए ए और डी की ही ज़रूरत होती है, तो नाउ जो हम लोग का रिक्वायर्ड ए पी आया, ठीक है, जो रिक्वायर्ड ए पी आया वो क्या होता है, फॉर्मूला ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस तरह से ये बढ़ते जाता है, ठीक है, सो ऑन। अब ए कितना है 3, ए प्लस डी मतलब 3 में 4 प्लस कर दो 7, 7 में फिर वापस से 4 प्लस कर दो 11, फिर प्लस कर दो 15, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा और फाइनली पहला जो क्वेश्चन दिया था वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। दूसरा क्या बोल रहा, फाइंड द सम ऑफ इट्स 15 टर्म्स। अब ए और डी पता चल गया, 15 टर्म्स निकाल सकते हैं ना, 15 टर्म्स निकाल सकते हैं ना दूसरा नंबर, तो एस 15 टर्म्स निकालना, फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एन बाई टू अंडर ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d, यही फॉर्मूला होता है ना। चलो यहाँ पे 15 का बात कर रहा है, तो 15 बाई टू 2 इंटू ए हमने निकाला है 3 प्लस एन 15 माइनस 1 और d हमने निकाला है 4। देखो कहीं से नहीं, बस जो भी यहाँ हमने निकाला है हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे, 15 बाई टू है, यहाँ देखो 3 2 6 प्लस कितना हो गया 15 में से 1 गया 14 और 14 इंटू 4 कितना होता है 14 इंटू 4 56। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों। अब यहाँ पे ये दोनों को ऐड कर दिए तो मतलब ऐड कर दिए तो 62 हो गया, ये चला गया 31 बार में, तो 15 इंटू 31 बताओ मल्टीप्लाई करें कितना होगा, तो 15 1 जा 15 का 5 1 कैरी 15 3 जा 45 और 146। तो फाइनली जो एस 15th टर्म का जो सम निकला है वो निकल गया है 465। बोलो समझ में आप सभी को, कैसे हमने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, बोला था एपी निकालने, हमने एपी निकाल लिया, फिर सम बोला था और हमने सम भी निकाल लिया। बोलो क्लियर है बातें आप लोगों को, देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 34 नंबर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है सोचो 4 मार्क्स 5 मार्क्स में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा आप लोगों को कि प्रोबेबिलिटी से भी हाई मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन। इन अ गेम द एंट्री फी इज 5, एक गेम है जिसमें एंट्री फी 5 रुपया है, द गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, और वो गेम 3 टाइम्स जो है वो टॉस करना है हम लोग को कॉइन्स को। अब यहाँ पे देखो कॉइन्स का बात हो रहा, कॉइन्स का 2 प्रोबेबिलिटी होता है, मतलब कॉइन्स का 2 आउटकम्स होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना 2 होते हैं, एक होते हेड एक होते हैं टेल होते हैं, समझ में आया। तो इसका मतलब है कि 2 होते हैं तो फॉर्मूला 2 का पावर n लग गया। अब n मतलब कितने टाइम्स हम उसको क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, मतलब 2 का पावर 3 तो मतलब 8, इसका मतलब है टोटल आउटकम्स कितने आने वाले हैं, 8 आने वाले हैं। आप इस फॉर्मूला से बना सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, इफ 1 और 2 हेड शो, अगर टॉस करने पे एक हेड, मतलब तीनों को साथ में टॉस कर रहे हैं, अगर एक हेड या फिर 2 हेड आता है तो जो स्वेता है नाम की लड़की, उसको उसने जो एंट्री फी में पैसा दिया है गेम खेलने के लिए, वो उसको वापस कर दिया जाएगा। अगर वो थ्रो करती है और 3 हेड आ जाता है तो इसका मतलब है जितना उसने एंट्री फी में पैसा दिया था, पैसा उसका दुगना उसको मिलने वाला है। लेकिन 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 अगर ये सब में से कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब है वो गेम हार जाएगी और उसको एंट्री फी नहीं मिलेगा, वो क्या होगा, उसका पैसा चला जाएगा, ठीक है। तो अब बोला है क्या कि 4 टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, अगर हम उस कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी लूजेस द एंट्री, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा अगर वो क्या करेगी, अपना पैसा को लॉस कर देगी, ठीक है, लूज कर देगी। गेट डबल द एंट्री जस्ट गेट हर एंट्री बैक, तो ये 3 क्वेश्चंस के आपको प्रोबेबिलिटी निकालने। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व करो ना बच्चों, तो आप लिख लो आउटकम्स क्या क्या आने वाले हैं, तो टोटल 8 आने वाले हैं आपको पता चल गया है। तो चलिए अगर हम 3 बार कॉइन को टॉस कर दे तो क्या आएगा, चलिए पहला टॉस किए तो हेड 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 आ गया, फिर सॉरी
तीन बार हेड आ गया, फिर तीन बार टेल आ गया, फिर पहला कॉइन में हेड आया, दूसरा में, दोनों में टेल टेल आ गया, फिर क्या हुआ, फिर पहला में भी हेड आ गया, दूसरा में भी हेड आ गया, तीसरा में टेल आ गया, और क्या बच्चों और बताओ, और पहला में टेल आ गया, फिर दूसरा में हेड हेड आ गया, फिर पहला में हेड, दूसरा में टेल, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया, कितना हो गया, गिनो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात हुआ है और एक होना चाहिए, बताओ क्या होना चाहिए, कि पहले टेल आ गया, हेड आ गया और फिर टेल आ गया, है ना, हो गया ना जी, हाँ चलो टोटल आठ हो गया है, आठ लाना था ना, तीन बार है, टू का पावर थ्री एट आ गया, आठ हम लोगों ने लेकर के आ गया है। चलो अब इतना के बाद टोटल आउटकम्स कितना हो गया, टोटल आउटकम्स, आउटकम्स टोटल आउटकम्स अब एट हो गया है। तो यहां पे देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लूजेस द एंट्री। देखो यहां पे बात है कि अगर एक हेड और दो हेड आता है तो वो गेम नहीं हारेगी, तीन हेड भी आ जाए तो वो गेम नहीं हारेगी, लेकिन अगर टेल आता है तो वो गेम हार देगी। लेकिन टेल कब आएगा, एक टेल आने से या दो टेल आने से, तो नहीं, दरअसल तीन अगर टेल आ गया तीनों बार में तो फिर वो गेम हार जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि अगर एक भी हेड आता है, अगर एक भी हेड आता है इसका मतलब है वो उसको एंट्री फी बैक मिल जाएगा। अब देखो इसमें भी एक हेड, इसमें भी एक हेड, सब में एक ना एक हेड है, सिवाय इसके, सिवाय टी 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 के, मतलब इसमें तीनों में टेल आया है, तो मतलब ये ऐसा एक ही पॉसिबल आउटकम्स है जहाँ पे वो गेम हार जाएगी। तो जो पहला वाला का प्रोबेबिलिटी होगा वो वन हो जाएगा, टोटल आठ, बोलो समझ में आया बात, वन बाई एट, लैंग्वेज आप खुद लिख लेना, वन बाई एट, समझ में आया, क्योंकि टोटल यही एक ऐसा पॉसिबिलिटी है जहाँ पे वो गेम हारेगी, बाकी समय वो गेम जीत रही होगी, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला, गेट डबल द एंट्री। अब उसको एंट्री डबल कब मिल जाएगा, जब यहाँ पे उसको तीन बार हेड आ गया, है ना, तीन बार हेड आ जाएगा तो उसको क्या पैसा डबल मिल जाएगा। तीन बार हेड कितना में आया है, तो मात्र एक में आया है, एक में आया है, तो मात्र एक में, आठ में से मात्र एक में आया है, तो इसका प्रोबेबिलिटी इतना हो गया। तीसरा नंबर में क्या बोला है कि जस्ट गेट हर एंट्री फी बैक, उसको उसका वापस एंट्री फी बैक कब मिलेगा, जब या तो एक हेड आए या तो दो हेड आए। बताओ एक हेड दो हेड कितना में है, तो एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब टोटल छः में एक हेड है या फिर दो हेड है आठ में से, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो थ्री बाई फोर इसका प्रोबेबिलिटी निकल गया। तो फाइनली इस क्वेश्चन को हम लोगों ने आसानी से, कितने आसानी से सॉल्व कर लिया, बस क्वेश्चन समझने का आपको देरी है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे। देख लो समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्या बोल रहा है, इन द फिगर, आपको फिगर दिया, ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ओ क्या है, सेंटर है सर्कल का, विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ। इफ टी इज अ पॉइंट सच दैट ओ टी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ओ टी कितना है, वो 13 सेंटीमीटर है। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, ए बी का लेंथ निकालना, ए बी क्या है जी, ए बी, चलो ये ए बी का लेंथ निकालना है, बनेगा ए बी, ये जो है ए बी का लेंथ निकालना। अच्छा एक बात बताओ, ये पॉइंट देखो, ए पॉइंट देखो और बी पॉइंट देखो, ये देखा जाए तो दोनों टेंजेंट है ना इस सर्कल पे, ये दोनों टेंजेंट है ना एक्सटर्नल पॉइंट से, तो दोनों इक्वल हो गया। अब यहाँ पे बात आता है कि अगर हम पी ए का लेंथ और पी बी का लेंथ निकाल लें तो मामला यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, आंसर देखो करते हैं कि जो पी टी होगा वो बराबर होगा क्यू टी के, बोलो होगा ना, पी टी जो है वो क्यू टी के बराबर होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, और एंड जो पी ए होगा वो बराबर होगा ए ई के, और जो क्यू बी होगा वो बराबर होगा ई बी के, ठीक है। क्यों होगा जी, क्योंकि ऐसा थ्योरम बोलता है कि टैंजेंट्स, टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये रेडियस इस पे 90 डिग्री बनाएगा, बनाएगा ना, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है हमेशा टेंजेंट पे, तो ये 5 है, ये 13 है, पाइथागोरस से हम लोग पी ए निकाल सकते हैं, है ना। तो इन ट्रायंगल पी ओ टी, ठीक है, पी ओ टी में अगर आप देखोगे पॉट ट्रायंगल में कि जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर है पी टी पे, ठीक है, थ्योरम है, तो उस हिसाब से
ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट हाइपोटेनियस OT हो गया, तो OT का जो स्क्वायर है वो OP के स्क्वायर प्लस PT के स्क्वायर के बराबर होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो OT कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP कितना है 5 का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 माइनस, ये प्लस से इधर आइए तो माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये PT का स्क्वायर निकल गया। अब ये दोनों को माइनस करो 144 आ गया, ये PT का स्क्वायर निकल गया, स्क्वायर इधर आ गया तो रूट लग गया, तो देयरफॉर जो PT है वो कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर निकल गया, सेंटीमीटर हाँ 12 सेंटीमीटर निकल गया। इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है पूरा यहाँ से यहाँ तक वो 12 सेंटीमीटर निकल चुका है, 12 सेंटीमीटर। बोलो बात क्लियर है? तो ये 12 है तो ये भी 12 होगा, है ना, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। अब एक बात बताओ, पहले यहाँ तक देखो, पहले यहाँ तक समझो, यहाँ तक देखो क्लियर है कि नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो फिर आगे क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखा है कि पी ए भी ए के बराबर होगा, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे पी ए को मान लेते एक्स, तो उस हिसाब से ए भी हो गया एक्स, है ना। तो अगर हम यहाँ पे टी ए का वैल्यू निकाले तो पूरा 12 है और ये इतू सा एक्स है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 12 माइनस एक्स। बोलो होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नाउ लेट पी ए इज इक्वल टू ए है ना, और हम ये दोनों को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते दोनों को एक्स मान लेते हैं, तो देयर फोर जो एटी हो गया, एटी एटी का वैल्यू क्या निकल गया, अगर हम पी टी में से माइनस कर दे पी ए तो एटी निकल गया, तो पी टी है 12, 12 माइनस एक्स, तो एटी क्या निकल गया 12 माइनस एक्स। बोलो समझ में आया, क्लियर है आप लोगों को। अब अगर देखोगे इस ट्रायंगल में तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, रेडियस से तो परपेंडिकुलर करेगा ही टेंजेंट पे। इसका मतलब अगर आप देखोगे कि इन ट्रायंगल ए ई टी में देखो जो ओ ई है वो क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया किस पे, ए ई पे। बोलो बात समझ में आया, बोलो क्लियर है बात यहाँ पे। अब यहाँ से पाइथागोरस हम लोग करके एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, तो चलो यहाँ पे पाइथागोरस लगाते हैं और हम लोग फाइनली सॉल्व करते, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सा बात है कि ये 90 डिग्री है तो ये 80 हाइपोटेनियस हो गया, तो जो 80 का स्क्वायर है वो क्या हो गया ए ई का स्क्वायर प्लस ई टी का स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर है आप लोगों को। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे 80 कितना, यहाँ पे देखो 80 कितना निकाला हम लोगों ने 12 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए ई, ए ई को हमने एक्स माना है, एक्स का स्क्वायर हो गया, और प्लस ई टी, ई टी कितना है, अब यहाँ पे देखो ये पूरा 13 है ना, ये पूरा 13 है और ये रेडियस 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक ई टी का कितना हो गया 13 में से आप 5 को माइनस कर दो तो 8 हो गया, समझ में आया 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ई टी क्या निकल गया 8 का स्क्वायर निकल गया, आप इसको सॉल्व कर लो आंसर आ गया। यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 है ना, प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 12 24x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब यहाँ देखो ये अगर इधर आ गया तो 144 में से माइनस हो गया 64, और ये उधर चला गया तो माइनस 24, अच्छा माइनस कहाँ से, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया तो प्लस 24x हो गया। बोलो बच्चों समझ में आया। अब अगर हम यहाँ से सॉल्व करते तो देखो तो 144 में से 64 माइनस हुआ तो 4 में से 4 गया तो 0 हो गया, ठीक है, फिर 14 में से 6 गया तो 8 हो गया, और इज इक्वल टू इधर क्या बच गया कि 24x था ना, तो 24x हो गया, तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या निकल गया 80/24। अब इसको कैंसिल करो, 4 के टेबल में ये गया कितने बार में, 6 बार में, ये 4 के टेबल में, 20 बार में, 2 के टेबल में, 10 बार में, 2 के टेबल में, 3 बार में, तो जो x निकला है वो 10/3 निकला है, और x को हम लोगों ने यहाँ पे क्या माना था, देखो तो ए ई माना था ना ए ई, तो ए ई जो निकल गया है वो 10/3 निकल गया है। बोलो बच्चों समझ में आया, ए ई क्या निकल गया 10/3 निकल गया। उसी तरह से सिमिलरली अगर हम लोग करें, ए ई अगर इतना निकल गया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बी ई भी क्या था, इसका मतलब है कि जो बी ई है ना, जो बी ई है वो भी 10/3 निकल गया है, जो बी ई है वो भी 10/3 निकल गया, ठीक है। इसका मतलब ये 10/3 तो ये भी 10/3 निकल गया। अब यहाँ पे बोला क्या है, ए बी का लेंथ निकालना है, ठीक है, तो नाउ ए बी क्या है, अगर हम ए ई को ऐड कर देंगे बी ई से
तो ए भी निकल जाएगा। अब ये निकला 10 बाई 3 प्लस ये भी निकला 10 बाई 3, तो 10 बाई 3 10 बाई 3 कितना हो गया 20 बाई 3 सेंटीमीटर। तो फाइनली ये यहाँ पे आपका सही जवाब आ गया है 20 बाई 3। आप इसको पॉइंट में भी ला सकते हो, देखो ए और ई बी को आप ऐड करोगे तो ए भी निकलेगा और फाइनली ए भी हम लोगों ने 20 बाई 3 लेकर के आ गया है। बोलो समझ में आप लोगों को, आप लोगों को समझ में आया? एक बार अच्छे से देख लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हो ये, अब यहाँ से आपका सेक्शन ई स्टार्ट हो गया है, केस बेस्ड क्वेश्चन। अब ये जहाँ से जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो सारे केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ो पहले आसानी से आराम से। क्या बोला है, बलून सेलर सेल्स पैकेट ऑफ कलरफुल बलून्स, ईच पैकेट हैज टू डिफरेंट शेप। मतलब एक जो बलून सेलर है ना वो क्या हो रहा, कलर मतलब एक बलून सेलर पैकेट्स कलर बलून्स के पैकेट्स बेच रहा है और जो दोनों पैकेट्स है ना उनका डिफरेंट डिफरेंट शेप है। देखो पहला शेप ये है, दूसरा शेप ये है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव द इंफॉर्मेशन, आपको यहाँ पे बहुत इंफॉर्मेशन दिया, पढ़ लो, एक स्फेरिकल बलून है और एक कॉनिकल बलून है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला फाइंड द एयर कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल बलून, इस बलून का एयर का कैपेसिटी निकालना है। तो अंदर में एयर का कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम का बात कर रहा है, इसका मतलब है कि पहला नंबर में क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम निकालना है स्फेरिकल बलून्स का, और दूसरा में क्या बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है टोटल बलून्स का। अब यहां पे देखो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आपको पता होगा इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये कोण है। इसका अगर हम बात करें तो इसका क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है, तो 4 पाई आर क्यूब मतलब 4 बाई 3 पाई आर क्यूब हो गया। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है मतलब पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, यही होता है ना इसका फॉर्मूला। तो इसका मतलब है बस ये दोनों फॉर्मूला पे हम लोग को पुट करना है और आसान सा आंसर आ जाने वाला है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो केस बेस्ड बहुत ही आसान होता है, आप उसको देखो समझो पढ़ो और सॉल्व करो, देन आप आसानी से उसको सॉल्व कर लोगे। अब और में क्या बोल रहा है देखो, इफ द एयर ऑफ द स्फेरिकल बलून इज ट्रांसफर इन टू द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर हैविंग अ रेडियस 4 मीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ द कंटेनर। मतलब अब ये जो कॉनिकल ये है, कॉनिकल बलून है, अगर हम इसका एयर को अगर हम सिलेंडर इसमें सिलेंड्रिकल कंटेनर में अगर ट्रांसफर करते हैं तो इसका मतलब जितना इसके अंदर का वॉल्यूम होगा वही ना वॉल्यूम ट्रांसफर कर रहे होंगे, तो वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, उसके मदद से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं सिलेंडर का। मैं अभी करके दिखाऊंगा, पहले आप क्वेश्चन समझ लो। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ कोन इज फॉर्म्ड बाई रिवॉल्विंग अ प्लेन फिगर ऑफ। अब यहाँ बात है, अगर आप कोन को प्लेन फिगर में आप रिवॉल्व करोगे, ये कोन को अगर आप प्लेन फिगर में आप रिवॉल्व करोगे तो सीधा सा बात है आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा। इसका मतलब है इसका जो आंसर हो गया थर्ड नंबर का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, ट्रायंगल, वो ट्रायंगल शेप में बन जाएगा प्लेन मिरर पे, ठीक है। फिलहाल ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते 36 का वन नंबर क्या बोल रहा है, तो वॉल्यूम निकालना है ना, तो सीधा निकाल लो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून्स, है ना। स्फेरिकल बलून्स का हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। देखो स्फेरिकल बलून्स का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे, 4 बाई 3 पाई आर स्क्वायर है, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब है, तो 4 बाई 3 इंटू आर 22 बाई 7 होता है, और सॉरी पाई 22 बाई 7 होता है। आर का वैल्यू देखो तो यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, आर यहाँ पे 6 दिया हुआ है ना, यहाँ तो कुछ नहीं दिया हुआ लेकिन फिगर में 6 दिया हुआ है, इसका मतलब है 6 × 6 × 6 हो गया। बोलो समझ में आया, वैल्यू पुट कर दिया हम लोगों ने, सॉल्व कर दो, 3 के टेबल में चला गया 2 बार में। अब इसको सॉल्व करना है, 4 × 2 = 8 हो गया, 8 × 6 = 48 हो गया, है ना, और × 6 × 2 = 12 × 2 = 13 बाई डिवाइडेड बाई 7। अब देखो सिर्फ कैलकुलेशन ही बच गया, आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो फटाक से, ठीक है, वीडियो पॉज करो सॉल्व करो, तब तक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया निकालना है मतलब टी एस ए ऑफ कॉनिकल बलून, टी एस ए निकालना है कॉनिकल बलून का, फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। अब यहां देखो पाई 22 बाई 7 दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 3.5 आर दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो ये यहाँ से 3.5 दिया हुआ है और हाइट 5 दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब आर दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 यहाँ आर। अब एल एल तो दिया नहीं है ना,
तो हम लोग इसको पहले एल निकालेंगे। एल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे ही लिख देते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर, मतलब 3.5 का स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, एल निकल जाएगा। तो 22/7 इसको सॉल्व कर देते हैं ना, ये 7 के टेबल में चला गया 0.5 बार में। तो 22 × 0.5 3.5 प्लस अंडर रूट, अगर आप इसको सॉल्व करोगे इसका स्क्वायर कितना हो गया, 5 × 5 = 25 और यहाँ पे 12, तो 12.25 हो गया। उसमें आप ऐड कर दोगे 25, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे देखो तो ये पॉइंट हटा तो नीचे 10, ये 2 बार में कट गया और ये 11 बार में कट गया, तो इधर 11 बच गया, इधर 3.5 बच गया और प्लस इसको आप ऐड करो तो 25, 26, 27, 37.25 अंडर रूट 37.25 बच्चों आंसर आ गया है ना। अब बताओ ये किसका रूट है, चलिए बताइए ये किसका रूट है। और तो फाइनली हम लोग का जो TSA है वो निकल जाएगा। नॉर्मल इसका रूट निकालना है, प्लस करके 11 से इंटू कर दोगे तो जो आपका फाइनल आंसर है वो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसका रूट निकालो, चलो क्या होगा बताओ, कितना होगा बताओ, कैलकुलेट किया तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 11 3.5 प्लस, आप इसको अगर सॉल्व देखो 36 आता है 6 का है ना, 36 आता है 6 के टेबल में, तो सीधा सा बात है ये, सॉरी 36 6 का रूट होता है, इसका मतलब ये 6 आ जाएगा, 1.25 है बच्चों, 1.25 है, इसका मतलब है कि जो आंसर होगा वो 6 पॉइंट क्या होगा, 6.1 कुछ आएगा। आप इसको यहाँ पे नॉर्मल इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है ना, 6.1 आने का चांसेस है। आपको अगर सॉल्व नहीं करना है तो आप एक्को ऐसे भी मार्क्स मिल जाएगा। अब यहाँ देखो 11 इंटू दोनों को ऐड कर दो, 6.96 आ गया, तो यहाँ पे देखो 6.66 तो 104.6 कुछ ऐसा ही आंसर आएगा, ठीक है ना, कैलकुलेट करने पे इतना ही आएगा ना, तो इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर की मीटर है बच्चों, मीटर है ना, तो इसका मतलब है आपको इतना मीटर स्क्वायर जो है वो TSA निकल गया। बोलो बातें क्लियर है या नहीं, बोलो बच्चों बात क्लियर है या नहीं, इंटू कर लो, अच्छा नहीं 105 आएगा ना, 105.6 आएगा, ठीक है, कुछ ये आंसर आएगा। चलो क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अच्छा एक और क्वेश्चन था ना इसमें, इफ द एयर ऑफ द स्फेरिकल बलून इज ट्रांसफर इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर, तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको सिलेंडर शेप में अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका मतलब है जो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल बलून होगा, अच्छा क्या ट्रांसफर हो रहा है जरा देखा जाए तो, सबसे पहले ठीक है एयर, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन कॉनिकल बलून वो क्या हो गया, बराबर हो गया किसमें, वॉल्यूम ऑफ एयर इन, वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंड्रिकल सिलेंडर कंटेनर, ठीक है चलो कुछ ऐसे ही इसके बराबर हो गया, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे 4/3 πr³ जो है वो बराबर हो गया πr²h के। अब देखो 4/3 × π 22/7 × r 6 × 6 × 6 दिया हुआ था r, अब यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 × r इसका दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। r कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है यहाँ पे देखो 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इसका मतलब है, इसका मतलब है क्या हुआ, यहाँ देखो तो 4 × 4 और इंटू h, h निकालना है, सॉल्व कर दो, देखो 22/7 कट गया, 4 से यहाँ से 4 कट गया, अब यहाँ पे बचा 3 से ये 2 बार में कट गया, 2 से ये कितना बार में, फिर ये 2 से ये 3 बार में, तो 6 × 3 = 18 तो 3 × 6 निकल गया h, तो देयरफॉर जो h निकल गया वो 18 मीटर निकल गया। देखो निकाल लिया ना हम लोगों ने हाइट, तो कितना ये आसान क्वेश्चन था।
तो केस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, वो इसी तरह से इजी होते हैं, है ना। बस हम लोग को क्वेश्चंस पढ़ने का देरी है। अगर हम लोग क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम लोग आसानी से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, एन आर्मी पायलट इज फ्लाइंग एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर, मतलब 1200। इसका मतलब है कि ये जो है ना एक एरोप्लेन है ना, वो जो ग्राउंड से 1200 मीटर पे फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, और यहाँ पे नीचे दो सीप है, सीप वन सीप टू। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखो, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द एरोप्लेन टू द पोजीशन ऑफ सीप टू। मतलब सीप से ये जो एरोप्लेन है और जो शिप है इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है। अगर हम इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते, इसको सी और इसको डी, तो बोला है कि ए सी कितना होगा और ए डी कितना होगा, ये दूसरा नंबर में पूछा गया है। और तीसरा नंबर में क्या पूछ रहा है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे अच्छे से तो तीसरा नंबर में आपको पूछा जा रहा है, फाइंड द ऑब्जर्वर, सॉरी, इफ द ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड द परपेंडिकुलर लाइन देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर अगर परपेंडिकुलर लाइन के तरफ जाएगा तो एंगल जो एलिवेशन होगा वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ मेरे को तुम लोग, ये 30 डिग्री है तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 30 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखो जैसे जैसे आगे गया वो बढ़ते गया, तो इसका मतलब जब वो आगे जाएगा तो और इंक्रीज करेगा ना जी, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है इसका जो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। अब एक और दो सॉल्व करते हैं। तो देखो एक नंबर सॉल्व करने के लिए अगर तुम साइन 60 डिग्री लगाते हो, अगर तुम साइन 60 डिग्री लगाते हो यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो तो यहाँ पे साइन 60 लगाओगे तो ए बी बाई ए सी हो गया, है ना बच्चों। इसका मतलब यहाँ पे ए बी बाई ए सी हो गया। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, साइन 60 का वैल्यू √3/2, ए बी 1200 मीटर दिया हुआ है और ए सी कितना दिया हुआ है नहीं पता, यही तो निकालना है। ए सी चला गया उस तरफ तो ए सी इज इक्वल टू 1200 × √2 है ना, तो 2/√3 ये हो गया इसका वैल्यू। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे रूट क्या है, डिनोमिनेटर में है ना, तो रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है, तो इसलिए इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग, √3 × करके रेशनलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप ए सी पे ध्यान दोगे तो यहाँ देखो √3 × √3 हो गया, है ना, √3 × √3 हो गया, 3 से ये चला गया 800 bar में। इसका मतलब है जो ए सी निकल गया वो 800√3 meter निकल गया, है ना। अब यहाँ पे पहला नंबर तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि ए डी निकालना है ना, तो साइन 30 यूज़ करेंगे उसके लिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए डी तो हाइपोटेनियस हो गया तो ए बी बाई ए डी हो गया। अब यहाँ देखो साइन 30 का वैल्यू 1/2, ए बी 1200 meter दिया हुआ है, ए डी निकालना है, तो आप अगर ए डी को उस तरफ भेजोगे तो 1200 × 2 हो गया। सॉल्व करोगे तो 2400 जो है वो ए डी का वैल्यू निकल गया है। इसका मतलब है ए डी जो है इतना मीटर आ गया है, बोलो समझ में आया। और यही हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा था पहला नंबर दूसरा नंबर में, देख लो अच्छे से। और पहला नंबर दूसरा नंबर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, क्लियर है बच्चों आप सभी को। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, लास्ट आखिरी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट ऑफ डी ए वी स्कूल आर स्टैंडिंग इन अ रो। यहाँ पे देखो एक रो में स्टैंड किया गया है, स्टूडेंट्स जो है वो खड़े हैं एक रो और कॉलम में प्लेग्राउंड में फॉर अ ड्रिल प्रैक्टिस। ए बी सी डी पोजीशन ऑफ द 4 स्टूडेंट, यहाँ पे 4 स्टूडेंट का पोजीशन दिया हुआ है ए बी सी डी करके बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। पहला बात है कि सबका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेते, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इधर से एक्स पे है 7 और वाई पे है 9, इसका कोऑर्डिनेट 7, 9 हो गया, ठीक है, क्या हो गया 7, 9 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 7, 9 हो गया। अब वैसे अगर ए का बात करोगे तो 4, 5 हो गया ए का, अगर आप डी का बात करोगे तो 7, 1 हो गया, और अगर आप सी का बात करोगे तो इधर से 11 है और इधर से कितना 5 है, तो 11, 5 हो गया बच्चों, बोलो समझ में आया। ये कितना, ये अच्छा ये 3 पे है, 4 नहीं है, ये 3 है और ये 7 है और ये 9 है, ये 7 है, ये 1 है और ये इधर 11 है, ये इधर 5 है, चलो कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब बोला है बी और डी ये दोनों का जो है वो मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है,
ये बी और डी का क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो सीधा सा बात है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ, मिड पॉइंट क्या होता है? तो अगर आपको निकालना है एक्स का मिड पॉइंट तो एक्स टू प्लस एक्स वन बाई टू कर दो, एंड अगर आपको वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो y2 टू प्लस वाई वन बाई टू कर दो। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू एक्स टू कितना हुआ है, 7, दोनों 7 है ना, तो 7 प्लस 7 बाई टू हो गया, आंसर कितना हो गया 7 7 14 14 बाई टू 7 आ गया। ठीक है, समझ में आया बच्चों? एंड एक मिनट, 7 प्लस 7 14 हो गया, ठीक है, तो 14 बाई टू 7 हो गया, हाँ ठीक है। एंड y इज इक्वल टू, y कितना है, एक है 9 एक है 1 और फिर 2। अब यहाँ सॉल्व 10 बाई टू, तो 10 बाई टू कितना हो गया 5 हो गया। तो जो मिड पॉइंट है, क्या बोला था, मिड पॉइंट है ना, जो मिड पॉइंट है उसका फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो जो मिड पॉइंट है बी डी का वो कितना निकल गया, वो निकल गया 7.5। बोलो समझ में आया, 7.5 क्या निकल गया, मिड पॉइंट निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एडी, एडी का डिस्टेंस बोला, मतलब ये जो है ना एडी इसका डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे दूसरा नंबर में, एडी का डिस्टेंस पूछा है तो अंडर रूट फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यही होता है ना। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, देखो एक्स टू क्या है बताओ, यहां पे 7-3 और 1-5 है ना, 7-3 का होल स्क्वायर और इधर 1-5 का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखो 7 में से 3 गया तो 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16, यहां पे -4 का स्क्वायर 16 32 हो गया, तो अंडर रूट 32 निकल गया। ठीक है, अगर आप इसको बाहर करोगे ना तो 4√2 आंसर आ जाएगा, अगर आप इसको ये करोगे, अच्छा यूनिट आएगा ना, इतना यूनिट आंसर आ जाएगा एडी। बोलो समझ में आया आप लोगों को, कितना निकल गया 4.4√2, देखो 4 को अंदर भेजोगे तो 16 2 32, खत्म बात है। ठीक है, ये दूसरा नंबर भी हो गया। देखो तो तीसरा नंबर क्या बोल रहा है हम लोगों को, तीसरा नंबर क्या बोल रहा है देखो, इफ द पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट एसी, एसी को एक पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एसी को पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है 1:2 में, देन पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम लोग पहले मान लेते हैं ना कि तीसरा नंबर है ना बच्चों, चलिए तीसरा नंबर मान लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज इक्वल टू, अच्छा कोऑर्डिनेट ऑफ पी को क्या मान लेते हैं, उधर एक्स मान चुके हैं ना, तो इधर हम मान लेते हैं एक्स वन, मतलब एक्स डैश और वाई डैश मान लेते हैं, ठीक है ना, एक्स डैश और वाई डैश मान लेते हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन, अच्छा प्लस होता है, डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ये होता है ना। अब देखो तो एम कितना है, देखो बच्चों एम यहां पे कितना बोल रहा है, ठीक है, देखो ए और सी है ना, तो इसका मतलब है कि मान लेते ये पी यहां पे है और ये 1:2 है, तो 11 को 1 से इंटू करो और फिर 3 को 2 से इंटू करो, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ x का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 11 को 1 से और 3 को 2 से, तो 11 वन जाए 11 और प्लस 3 टू जाए 6 हो गया, रेशियो 1:2 है, ऐड करोगे 3 हो गया, तो इसका मतलब है जो x डैश निकल गया ना, x डैश वो कितना निकल गया 17/3, समझ में आया। अब वैसे ही अगर आप y डैश निकालोगे, y डैश का फॉर्मूला क्या होता है, एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। अब यहां पे देखो तो y क्या दिया हुआ था बच्चों, देखो y क्या दिया हुआ था बताओ, यहां पे 3 2 6 हो गया, अब यहां पे y दोनों का y 5 है ना, दोनों का y 5 है, इसका मतलब है 5 1 5 और 5 2 10, 5 1 5 और प्लस 5 2 10, और नीचे में 2 + 1 3 हो गया, तो इसका मतलब है y डैश कितना निकल गया 15/3। तो देयरफॉर जो कोऑर्डिनेट निकल गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p वो क्या निकल गया, क्या निकल गया, क्या निकल गया, 17/3, क्या निकल गया, क्या निकल गया बच्चों बताओ,
17/3 और 15/3। तो फाइनली इसका भी आंसर हम लोगों ने कर लिया है। बोलो समझ में आया आप सभी को? देख लो कैसे बनाया हम लोगों ने। बोलो समझ में आया आप सभी को बच्चों? ठीक है, तो आज के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग का यहाँ पे जो 11 सैंपल पेपर है अरिहंत का वो ख़त्म होता है। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जहाँ पे हम लोग पार्ट वाइज नहीं एक ही बार में हम लोग जो 12 सैंपल पेपर अनसॉल्व है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, शॉर्ट तरीके से, ताकि हम लोग का ज़्यादा समय एग्ज़ाम में ना लगे और सारे क्वेश्चंस को हम लोग इजीली सॉल्व कर सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक है, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है हर एक चैप्टर से, तो आप जाके उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।